अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक आदि ब्लॉग इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह इटली में से शेयर कर रही हूँ, पोर्टो सांतो स्टेफनो। बहुत ही ये खूबसूरत सी जगह है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं। और ये बहुत ही वसी समंदर है यहाँ पे, और इसके सारे नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने ये सीन दिया है गाड़ी में से, वो छोटा सा ये गांव है पहाड़ी के ऊपर, और देखें कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैं 10 साल रह के गई हूँ, और 10 साल के बाद हम लोग यहाँ दोबारा सैर करने के लिए आए हैं, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पर बहुत अटैचमेंट है इस जगह के साथ हमारी। तो मैंने कहा क्यों ना ये खूबसूरत सा जो है ना छोटा सा गांव पोर्टो सांतो स्टेफनो, ये मैं आपके साथ शेयर करूं। आइए फिर मिलके एंजॉय करते हैं। ये कश्तियां खड़ी हैं, ये लोगों की अपनी प्राइवेट कश्ती हैं, और ये काफ़ी बड़ी कश्ती होती है, और इसके नीचे भी ना रूम बने होते हैं। तो लोग यहाँ मतलब कि इस कश्ती के अंदर ही छोटा सा किचन बना होता है, कश्ती के अंदर ही बेडरूम बना होता है। तो ये लोग जो हैं समंदर के सेंटर में जाके अपनी वो इंजॉय करते हैं सारे नज़ारे, और खाते पीते हैं जो भी उनकी लाइफस्टाइल है। और ये किराए पे भी मिल जाती हैं, कि आप एक दिन के लिए, दो दिन के लिए किराए पे भी ले सकते हैं इनको, और इंजॉय कर सकते हैं। और सामने ये स्टॉल लगे हुए हैं, मछलियों की शॉप्स बनी हुई हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप फ्रेश जो है ना मछली खरीद सकते हैं। ये देखें ना कितनी खूबसूरत कश्तियाँ ये बनी हुई हैं। ये सामने सारे ये ना होटल बने हुए हैं, नीचे ये शॉप्स हैं, ऊपर होटल हैं ये सारे। ये देखें इस गांव में ये छोटी सी एक बस भी चलती है।
ये सामने ये एक्वारियो बना हुआ है मछलियों का। तो ये जो था ना तब क्लोज था जब मैं गई हूँ ना, वरना मैं आपको ये ज़रूर अंदर से दिखाती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक किया करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वो मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें पानी कितना साफ है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान। थैंक यू।